नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। अब की जीते मेयर सीट, अब जीतेंगे आठों सीट, इस नारे के साथ रीवा जिला के संगठन प्रभारी पूर्व सांसद विदिशा प्रताप भानु शर्मा रीवा जिले के कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने में जुटे। हमारी टीम ने प्रताप भानु शर्मा से बात की, देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे, मैं जावेद अंसारी। नव नियुक्त शहर और जिला कांग्रेस कमेटी बनने के बाद यहां के संगठन प्रभारी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रताप भानु शर्मा, सांसद विदिशा। आज बात इनसे होगी। तमाम कांग्रेस के ऐसे मुद्दे हैं, मुद्दे तो बहुत हैं लेकिन जनता तक नहीं पहुंच पाते थे, अब किस तरीके से इनकी प्लानिंग होगी बात इसको लेकर। राहुल गांधी जी की पद यात्रा खत्म हो रही है, क्या इस पद यात्रा के खत्म होने के बाद कांग्रेस पुरानी स्थिति में लौटेगी या लगातार सक्रिय रहेगी? सक्रिय रहेगी तो कैसे? देखिए साहब, कल राहुल गांधी जी की कश्मीर, कन्याकुमारी से कश्मीर तक की पद यात्रा का समापन कार्यक्रम है और उसके पहले ही हम हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत कर चुके हैं और वो हमारे भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी जी ने करी उसी का हिस्सा है और उसके माध्यम से हम घर घर दस्तक देंगे। राहुल गांधी ने जिन मुद्दों को उठाया है, सद्भावना का, नफरत के खिलाफ कांग्रेस ने आवाज बुलंद की है पूरे देश में, एकता और अखंडता की आवाज बुलंद करी है राहुल गांधी ने और ये भारत को दो हिस्सों में जात बिरादरी के आधार पर, धन के आधार पर बांटने का षड्यंत्र जो मोदी सरकार या भाजपा के लोग कर रहे हैं, इसे रोकने के लिए अभिनव अद्भुत पहल राहुल गांधी ने की है। 3,500 किलोमीटर की पदयात्रा करना बहुत बड़ी बात है। मेरा जानकारी के हिसाब से ऐसा है कि या तो 1930 में महात्मा गांधी ने दांडी पदयात्रा करी थी जिसे हम नमक सत्याग्रह के नाम से जानते हैं, या आजाद भारतवर्ष में पहली ऐसी पदयात्रा है राहुल गांधी ने जो अपने दृढ़ निश्चय से पूरे भारतवर्ष की सद्भावना, एकता, अखंडता के लिए, सबको जोड़ने के लिए लाखों, हजारों लोगों को, करोड़ों लोगों को ये यात्रा करी है। हमें उन पर गर्व है, उनके नेतृत्व पर गर्व है। आपको आपके नेता पर गर्व होना भी चाहिए, इतनी बड़ी पदयात्रा किसी ने नहीं की थी। राहुल गांधी आपने जिक्र किया, राहुल गांधी तो वहीं पर से दूसरा सवाल, अपनी सारी मीटिंग में अंबानी और अडानी का नाम लेते हैं लेकिन जिस तरीके से अडानी की कंपनियों के बारे में लगातार मामले निकल कर आ रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि LIC और स्टेट बैंक जैसी संस्थाएं खत्म होने के कगार पर आ रही हैं? यही हालत हो गई है पिछले 4-5 साल में। यदि देखें तो राहुल गांधी जो मुद्दे उठा रहे हैं और वो साफ कह रहे हैं कि ये क्रॉनिक कैपिटलिस्ट के प्रधानमंत्री हैं, देश की आम जनता के नहीं है। अडानी और अंबानी को जिस तरह से इन्होंने पिछले 7-8 सालों में लाभ पहुंचाया है, इनकी संपत्ति हो गई 1,000 गुना बढ़कर और भारत की अर्थव्यवस्था हो गई 4.5% में GDP आकर गिर के, और सब सार्वजनिक क्षेत्र, पब्लिक सेक्टर, चाहे वो रेल हो, हवाई अड्डे हो, बड़े बड़े सार्वजनिक उद्योग हो, चाहे वो आपके रेलवे स्टेशन हो, पोर्ट और ये समुद्री जहाज के पोर्ट हो, ये सब चीजें यदि देश में बिक रही हैं तो इसका मतलब क्या है? आप सिर्फ दो लोगों के लिए काम कर रहे हो और उनको संरक्षण दे रहे हो, जब उनके इन्वेस्टमेंट पर या जिस पे वो कहते थे, दावा करते थे कि हमारे पास 12 लाख करोड़ की संपत्ति हो गई और दुनिया में हम तीसरे नंबर पर हो गए। अमेरिका की एक ऑडिट कंपनी ने अभी आपत्ति दी है, उसके कारण इनकी कलई खुल गई, वो 1200 करोड़ में 400 लाख करोड़ का नुकसान हो गया, माने 30% उनके शेयर वैल्यू मार्केट में एक सप्ताह के अंदर गिर जाना। इसका मतलब यह है कि जो सरकारी इन्वेस्टमेंट इनके पास जा रहा था वो बढ़ा चढ़ाकर शेयर वैल्यू करके वो इन्वेस्टमेंट करा रहे थे, चाहे वो UTI का इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो LIC का हो, चाहे SBI का हो, चाहे किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक का हो। हमेशा राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस ने इस बात पर चिंता व्यक्त की है कि किसी भी दिन ये कंपनी डूब जाएगी और ये जो गौतम अडानी है ये भागकर वैसे ही हो जाएगा जैसे कि वो कौन सा नीरव मोदी और उसका हो गया, ललित मोदी का हो गया है, वही काम हो जाएगा और ये बैंक हाथ मलते रह जाएंगे। बैंक हाथ मलते रह जाएंगे
हालात काफी खराब होने के कगार पर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि कल जब आएगा बजट और शेयर मार्केट खुलेगा तब वाकई स्थितियां पता चलेंगी। आपसे तमाम राष्ट्रीय बातें हो गई, अब बात संगठन की। जिस तरीके से संगठन में लगातार कसावट, उसका रिजल्ट आपको महापौर का चुनाव का टिकट मिला। पिछली बार 8 सीटें हारे थे, किस तरीके से ये कसावट लगातार मेंटेन रहेगी, असर चुनाव में वोटों में कैसे तब्दील होगा, ये बताइए। देखिए जावेद जी, आप इस बात का प्रमाण है कि पहले इंटरव्यू में आपने हमसे कहलवाया था ये कि मेयर के चुनाव में कांग्रेस की क्या स्थिति रही थी। मैंने कहा था हम 10,000 वोट से जीतेंगे, प्रचंड बहुमत से जीतेंगे, और यहाँ के कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, जनता जनार्दन ने बाबा मिश्रा को जिताकर उस बात को साबित कर दिया कि बदलाव की बयार अकेले रीवा में नहीं, पूरे विंद में चल रही है। और भाजपा की कुशासन से, झूठ से, महंगाई से, बेरोजगारी से, गरीबों के यहाँ जिस तरह से योजनाएं नहीं पहुंच रही, भ्रष्टाचार प्रदेश में चरम पर हो रहा है, कोई काम बगैर पैसे नहीं हो रहा। यदि आज खसरा की कॉपी निकालना है तो पैसे चाहिए, यदि मकान के प्रधानमंत्री आवास की किस्त निकालना है तो पैसे देना है, यदि किसी को अनाज के 5 किलो 10 किलो चाहिए है तो उससे रिश्वत मांगी जा रही है। आज प्रशासन की यह हालत हो गई है कि ऐसा मैंने अपने राजनीतिक जीवन में इतना भ्रष्ट प्रशासन नहीं देखा। तो मुझे लगता है कि संगठन हमारा मजबूत है और जिला स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर तक जो अभी नई टीम बनी है, जिला ग्रामीण जिला कांग्रेस कमेटी, शहर जिला कांग्रेस कमेटी, जिले के संगठन मंत्री, शहर के संगठन मंत्री और उनके सभी सहयोगी टीम अभी बनने को बाकी है, और जो प्रदेश के नए पदाधिकारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी में बनाए हैं आदरणीय कमलनाथ जी ने, वो सब मिलकर एक संगठन को पूरे रीवा जिले में ब्लॉक लेवल पर, मंडलम और सेक्टर से लेकर पोलिंग स्तर तक अगले 2 महीने में हम लोग पहुंचाएंगे, ये हमारा संकल्प है और ये हमने संकल्प पारित किया है कल की मीटिंगों में। अगले 2 महीने में पूरा संगठन सक्रिय दिखाई देगा, चुनावी वर्ष है, हम इस बार लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। लक्ष्य है 8-0, 8 सीटें कांग्रेस की, 0 बीजेपी को, सबको हराएगी यहाँ की जनता, सबको हराएगी जनता। अब हमारी नजर बनी रहेगी संगठन के कामकाज पर, जो भी संगठन की गतिविधियां होंगी उस पर हम जरूर बात करेंगे। पहले जीते मेयर सीट, अब जीतेंगे 8 सीट। अब देखना दिलचस्प होगा इनका जो ये कहना था, पहले जीते मेयर सीट, अब जीतेंगे 8 सीट। ताजा तरीन खबरों के लिए न्यूज नेटवर्क टुडे से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, और देखते रहिए न्यूज नेटवर्क टुडे।